आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी कार को सालों साल चला सकते हैं एकदम नया जैसा। कोई भी कार हो, मैं पोलो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कार हो तो आप उस कार को 3 लाख किलोमीटर तक तो बहुत ही आराम से चला सकते हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज उदित और आप देख रहे हैं उदित वर्स। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैंने यार अपनी पुरानी वाली पोलो जो की डीजल थी 1.2 TDI, उसको मैंने लगभग 2 लाख किलोमीटर के आसपास चला था। उस गाड़ी के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस रहा था और 2 लाख किलोमीटर के लगभग चलाने के बाद भी मेरी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ मेरा रीजन था बेचने का उसको कि मैं NCR में गाड़ी नहीं चला सकता था 10 साल पुरानी। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिसको अगर आप अपनी सर्विस रूटीन और गाड़ी की लाइफ रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी गाड़ी हमेशा नई जैसी चलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज, मैं पहुंचने वाला हूं अपने यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे। एक्चुअली मैं यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा काम है। तो एक काम करते हैं, पहले पहुंचते हैं फटाफट से यमुना एक्सप्रेसवे, एंट्री करते हैं, सुकून वाली रोड पे पहुंचते हैं, लगाते हैं क्रूज कंट्रोल, फिर आपसे बात करते हैं और फिर बताते हैं डिटेल में सारी चीजें कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। और मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा और सारे पॉइंट्स को इलैबोरेट करूंगा, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको। तो गाइज, हम इंटर कर चुके हैं अपने यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं आपको कि क्या क्या वो चीजें हैं जिनको आपको अप्लाई करना है अपने कार की सर्विस रूटीन में। तो गाइज, सबसे पहला पॉइंट है गाड़ी की सर्विस से रिलेटेड। आप सभी लोग अपनी कार की सर्विस कराते होंगे, सभी कराते होंगे नो डाउट। आप जब अपनी कार की सर्विस कराने जाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप कंपनी में सर्विस करा रहे हो, इंजन ऑयल जब भी चेंज होता है तो आपको ये चेक करना है कि इंजन ऑयल वो लोग जो भी डाल रहे हैं उसका ग्रेड क्या है। सपोज मैं पोलो की बात करता हूं तो पोलो में पड़ता है इंजन ऑयल 5W40। जब आप नई कार लेते हैं तो आप अगर मान लो फोक्सवैगन की आपने कोई कार ली, आप उसका सर्विस सेंटर में कराने जाएंगे तो वो लोग 5W40 ही डालेंगे। लेकिन अगर आपकी कार पुरानी है, आप किसी और सर्विस सेंटर में सर्विस कराने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं वो लोग आपसे बोलेंगे कि सर 0W40 डाल लो और 5W30 डाल लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब नॉर्मल होता है, सारी चीजें होती हैं। तो भाई आप उस बात पे यकीन मत करना, क्योंकि गाड़ी में जो पहले से इंजन ऑयल डल के आ रहा है उसी ग्रेड का इंजन ऑयल हमेशा आपको डालना है। कंपनी आप चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 5W40 पड़ रहा है तो आपको 5W40 ही डालना है। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना यार, मैंने हर तरह का इंजन ऑयल ट्राई करके देखा था अपनी पुरानी वाली कार में, और मैं आपको बता देता हूँ जो ग्रेड और जो क्वालिटी सर्विस सेंटर डालती है ना, वो क्वालिटी आपको बाहर नहीं मिलेगी। चाहे आप कैस्ट्रॉल का डलवा लो, चाहे मोबिल का डलवा लो, चाहे लिक्विड मॉली का डलवा लो, कोई भी डलवा लो, जो इंजन ऑयल कंपनी डालती है ना, उस इंजन ऑयल को डालने के बाद आपकी गाड़ी में अलग ही स्मूथनेस आएगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो लॉन्ग रन में इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए आपको ये चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है कि ग्रेड एटलीस्ट आप सेम रखिए, भले ही आप कंपनी से मत डलाइए, लेकिन ग्रेड जो है ना आपका वो हमेशा सेम होना चाहिए। 5W40 है तो 5W40 ही पड़ना चाहिए। ये तो हो गई बात इंजन ऑयल की। सर्विस में अगर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जब हम सर्विस कराने जाते हैं, नई गाड़ी होती है तो आदमी क्या करता है, सारी चीजें जो कंपनी बोलती है वो कर लेता है वारंटी के चक्कर में। लेकिन जब पुरानी हो जाती है तो इंसान क्या करता है, उसको निग्लेक्ट करता है या थोड़ा सा इग्नोर करने लगता है चीजें। सर्विस में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, आपका कूलेंट टॉपअप होता है, तो कूलेंट पे आते हैं। कूलेंट आपको हमेशा सेम ग्रेड का यूज करना है। कूलेंट भी, कूलेंट में लोग क्या करते हैं कि यार 2 लीटर कूलेंट डाला बाकी पानी मिला देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अब जो फोक्सवैगन की जितनी भी कार्स आ रही है ना यार, उसमें क्या होता है कि कूलेंट जो है वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड आता है, आपको फुल कूलेंट ही भरना है, कूलेंट फुल होना चाहिए आपकी गाड़ी में। और इमरजेंसी की बात है, सपोज आप किसी ट्रिप पे हो, कहीं जा रहे हो, आपका कूलेंट कहीं से लीक हुआ या फिर डाउन हो गया, गाड़ी हीट हुई, कुछ हुआ, तब आप डाल सकते हो पानी थोड़ा बहुत कि हाँ टॉपअप करना है, मैं जाऊंगा सर्विस सेंटर पे जाके आगे कूलेंट ले लूंगा, वो काम आप कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अपने इंजन के कूलिंग सिस्टम और इंजन का जो ऑयल होता है इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तभी इंजन आगे तक लाइफ चलेगी आप ये मान के चलिए। तो इंजन ऑयल आपको वो रखना है, ग्रेड नहीं चेंज करना है, कूलेंट का ग्रेड नहीं चेंज करना है। प्लस जब भी आप सर्विस कराते हो ना, तो आपको
अपनी कार का फ्यूल फिल्टर भी हमेशा चेंज कराना है। तो आजकल क्या होता है ना, हर कार में लाइक वन ईयर में ही होती है सर्विस ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सर्विस कराने जा रहे हो ना, तब आपको फ्यूल फिल्टर भी चेंज कराना है। आपकी डीजल कार हो तो डीजल फिल्टर चेंज करा लीजिए, पेट्रोल कार हो तो पेट्रोल फिल्टर चेंज करा लीजिए। पेट्रोल कार में थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड होता है और उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन डीजल फिल्टर आपको जरूर चेंज करना है। देखिए, डीजल फिल्टर अगर आप नहीं चेंज करते हो ना, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डीजल फिल्टर आपके डीजल से सारी इम्प्योरिटीज निकाल देता है। और होता क्या है, सपोज मैं जा रहा हूँ किसी ट्रिप पे और हाईवे पे चल रहा हूँ, हर पेट्रोल पंप पे यार मिलावट होती है, ये आप मान के चलिए। और मिलावट अगर नहीं भी होती है ना, तो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि नीचे का टैंक है यार, पानी का टैंक तो है नहीं पीने के लिए जो साफ करने जा रहा है। अगर आप अपना टैंक भी खोलोगे ना, सपोज आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, आप मैं गारंटी लेता हूँ आप अपना टैंक खुलवा के देख लीजिए, आपके टैंक में नीचे कचरा होगा, 200% कचरा होगा। तो आप ये समझिए, अगर आपने डीजल फिल्टर नहीं डलवाया तो फिर क्या होगा, इंजेक्टर्स में कचरा जाएगा। इंजेक्टर्स में कचरा गया ना, और एक बार आपके इंजेक्टर खुले ना, तो भाई गाड़ी की लाइफ खत्म है। आप मान लो उस समय से आप गाड़ी हर दूसरे तीसरे महीने लेके खड़े रहोगे सर्विस सेंटर में या जिस भी वर्कशॉप में आप काम कराते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये फिल्टर को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ये जो फ्यूल फिल्टर है, और खासकर डीजल वाले भाई लोग, क्योंकि मैंने TDI में देखी है ये चीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हमेशा याद रखना। बात करते करते हम निकल आए हैं, लगभग 20 किलोमीटर इस यमुना एक्सप्रेस वे पे, और अपने को जेवर के आगे तक जाना है। और यार अभी शाम का 5:11 हो रहा है, बड़ा सही लगता है। आज लाइक ट्रैफिक नहीं है ना यमुना एक्सप्रेस वे में, तो बड़ा सही सा लग रहा है। और वाले भाई अपने को घूर के देख रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। और ऊपर देखिए आप, कैमरे लगे हुए हैं, तो स्पीड तो अपनी बहुत ही नॉमिनल चल रही है, 78 पे चल रहा है। ओ भाई साहब देखिए, डीजल की बात करी, डीजल आ गई, TDI। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इंजन ऑयल की बात हो गई, कूलेंट की बात हो गई, और फ्यूल फिल्टर की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है एयर फिल्टर। देखिए, गाड़ी का जो एयर इनटेक फिल्टर होता है ना, वो उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है गाड़ी की हेल्थ के लिए, जितना कि एक मास्क आपकी हेल्थ के लिए करता है। जितना अच्छा आपका एयर इनटेक फिल्टर होगा ना, उतनी ही अच्छी इंजन की लाइफ होगी आपकी गाड़ी की। आप जब भी गाड़ी की सर्विस कराते हो, एयर फिल्टर हर आदमी चेंज करा ही लेता है यार, ये मैंने देखा है। बट कुछ लोग हैं समझदार, सोचते हैं कि लाओ साफ करके इसको लगा दें, बट वो नहीं करना है आपको। अगर आप स्टॉक फिल्टर यूज करते हैं, तो भाई उसको सर्विस के टाइम पे जरूर चेंज कराएं, क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। एक मिनट, यहाँ कुछ हो रखा है, क्या हो रखा है भाई, इतनी भीड़ क्यों जमा है? ओह, कुछ नहीं हुआ भाई, सबके सब सुसू कर रहे हैं उतर के, सॉरी। तो बात कर रहे थे हम एयर इनटेक फिल्टर की। अगर आप स्टॉक फिल्टर यूज करते हो, तो उसको हर सर्विस के टाइम पे चेंज जरूर कराइए। छोटा सा है पार्ट, बहुत सस्ता रहता है। अगर आपने परफॉर्मेंस फिल्टर डाला है, तो भाई कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, परफॉर्मेंस फिल्टर आपको क्लीन करके लगा देना होगा, लेकिन उसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। और हमारे बगल में जा रही है थार, जिसमें कि भरे हुए हैं पेड़। बहुत बढ़िया, पेड़ लगाएं, आप लोगों को भी लगाएं, जिसने नहीं लगाया वो भी लगाएं। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हैं सर्विस से रिलेटेड, जो कि आपकी बेसिक मेंटेनेंस होती है, जो आप हर साल कराते ही कराते हो। अब आते हैं हम मेजर सर्विस से रिलेटेड। देखिए, हर कार का एक मेजर सर्विस का टाइम आता है। मेजर सर्विस में क्या होता है कि आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, फिल्टर विल्टर ये सब कुछ चेंज होता है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वियर एंड टियर होती हैं कुछ एक सर्टेन किलोमीटर के बाद। जैसे कि मैं टाइमिंग किट की बात कर देता हूं, तो टाइमिंग बेल्ट आपको चेंज करानी पड़ती है। जो टाइमिंग की पूरी किट होती है ना, वो आपको चेंज करानी पड़ती है, जिसमें कि वाटर पंप भी आता है, टाइमिंग बेल्ट भी आती है, वो सारी चीजें आती हैं। उस वाली सर्विस में जब भी आपकी गाड़ी में वो सर्विस का टाइम आता है, सपोज मान लीजिए आपकी कार में ये चेंज होने का टाइम है, सपोज 70,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, 90, 60, अलग अलग होता है यार हर गाड़ी में, उस समय भी आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टाइमिंग किट अगर आपने चेंज नहीं कराई ना सही समय पे, तो आपका इंजन कब सीज हो जाएगा, कब आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, और भाई एक बार का वो भी खर्चा होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म चलानी है गाड़ी, सीधी सी बात है, अगर आपको 50-60 हज़ार में गाड़ी बेच देनी है ना, तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है, तो भाई जब भी आपके किलोमीटर्स पूरे होते हैं टाइमिंग चेंज करने का, आप उसको रिप्लेस करा लो। करा लोगे तो गाड़ी धोखा नहीं देगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक और चीज है जो सर्विस से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी के अगर आपके पास पेट्रोल कार है, तो आपके स्पार्क प्लग बहुत ही सस्ती चीज है, बहुत महंगी नहीं है चीज। स्पार्क प्लग आप टाइम पे चेंज करा लो। लाइक इतनी महंगी कार है आपकी, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो ये कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है।
तो आपको वो चीज ध्यान देनी है यार। स्पार्क प्लग पेट्रोल कार्स में बहुत ही आराम से चेंज हो जाते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं यार। तो ये सारी चीजें हो गई है पार्ट से रिलेटेड जो आप चेंज कराते हो और लाइक जो कराने ही पड़ते हैं। एक और चीज है क्लच। यार देखिए क्लच तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस में क्लच में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप क्लच चेंज करा रहे हो ना, कभी भी सपोज आपने 1,00,000 किलोमीटर चला ली, अब आपका क्लच लाइक लग रहा है आपको आपकी मैनुअल है, क्लच कभी भी चेंज कराना ना, साथ में फ्लाई व्हील जरूर चेंज कराना, या फिर अगर फ्लाई व्हील कभी भी चेंज कराना ना तो क्लच जरूर चेंज कराना। आप एक चीज चेंज कराओगे ना दूसरी खराब हो जाएगी, फिर आप दूसरी चेंज कराओगे तो पहली खराब हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में काम करती हैं साथ में। ओके गाइस, तो ये सारी बातें हो गई सर्विस और मेंटेनेंस से रिलेटेड। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं जेवर के पास, पहला जो हमारा शिवा ढाबा पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर बात करते हैं आपसे। ओके गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ अपने ढाबे पे। उससे पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको, तो सर्विस के टाइम पे आपको वो थ्रॉटल बॉडी का जो ऐड होता है ना वो क्लीन जरूर कराइएगा। हमेशा बोल दीजिएगा कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दें। जो थ्रॉटल बॉडी का फ्लैप होता है ना, तो वो क्लीन होना बहुत जरूरी है, वो स्मूथली मूव करना बहुत जरूरी है, बाकी बहुत लोग तो खुद ही कर लेते हैं क्लीन। तो जब भी आप सर्विस कराने जाएं तो थ्रॉटल बॉडी के लिए जरूर बोलें। ये सारी बातें हो गई है सर्विस से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे जो आपके जनरल मेंटेनेंस से रिलेटेड जो आपको खुद ही करानी पड़ती है, लाइक उनका कोई टाइमिंग एज सच नहीं होता है सर्विस शेड्यूल के, बट आपको वो चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्विस हर आदमी करा लेता है, मैनुअल में लिखा होता है कि इतनी डेट को आना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना चीजें, ये चीजें किसी मैनुअल में नहीं लिखी हैं, और इसके लिए आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा चीजों को लेके कि कितने टाइम पे हमें ये चीजें करानी है और कैसे करानी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। A few moments later. Okay guys, तो मैंने चाय पी ली है और काफी टाइम लग गया यहाँ पे, एक्चुअली एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, तो वो अटेंड करना जरूरी था, वो कॉल थोड़ी लंबी चल गई। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। और मैं निकल आया हूँ जेवर से आगे, जेवर टोल पे मैंने क्रॉस कर लिया। तो सबसे पहले तो आते हैं अपना व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग से रिलेटेड है ये चीज। देखिए आपको सही टाइम पे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करानी है गाड़ी की, अगर आपका रन अच्छा है तो। और यार देखो, इंडिया में वैसे भी रोड्स में गड्ढे वड्ढे बहुत मिलते हैं, जर्क्स बहुत होते हैं, तो अपने को टाइम पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग करानी है। टाइम इन द सेंस कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी एक जो हैबिट रही है, मैंने अपनी अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाली वीडियो में भी डिटेल में बताई है वो चीज, वो मेरी हैबिट रही है कि मैं एवरी 5,000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लेता हूँ। या फिर अगर मैंने कोई एक लॉन्ग ट्रिप करी हो, सपोज 1,000-2,000 किलोमीटर भी होते हैं ना, तो भी मैं करा लेता हूँ अलाइनमेंट बैलेंसिंग। तो ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है याद रखने के लिए अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अपना नेक्स्ट पॉइंट टायर से ही रिलेटेड है। दो चीजें मैं बताता हूँ आपको। आपको हमेशा अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर एक्यूरेट रखना है। ये हैबिट आपको बनानी है कि टायर प्रेशर जो आपका एकदम एक्यूरेट रहे, जैसा कि मैनुअल में लिखा हुआ है। ये बहुत लोग इग्नोर कर लेते हैं कि लाइक कार का टायर का प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग ज्यादा रखते हैं हमेशा, लाइक अगर मैनुअल में लिखा हुआ है कि 35-36 रहना चाहिए तो लोग क्या करते हैं उसको बढ़ा के रखते हैं। कोई कोई लोग तो मैंने देखा है 40 तक रखते हैं, लाइक 40 PSI। लोग सोचते हैं कि उससे एवरेज मिलेगा, माइलेज अच्छा आएगा, बट ऐसा नहीं होता यार। आपको हो सकता है कि 1-2 किलोमीटर का माइलेज अच्छा मिल भी जाए, लेकिन आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आएंगे, इंजन वाइब्रेट होगा। जितना गाड़ी में वाइब्रेशन आएंगे उतना ज्यादा आपकी गाड़ी लूज होती जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि ज्यादा प्रेशर बढ़ा के सोचते हैं कि माइलेज आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, स्मूथ चल रही है, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ हो गई है, बट भाई जो चीज बनी है ना वो चीज किसी रीजन से बनी है। लाइक जो कंपनी आपको बता रही है ना, कंपनी जब भी गाड़ी बनाती है ना बहुत सारी रिसर्च होती है एक कार के पीछे। ऐसे नहीं वो पॉइंट्स लिख देते हैं कि हाँ भैया 35 PSI होना चाहिए या 32 PSI होना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर हवा ज्यादा होगी, गाड़ी जो अनइवन थोड़ी रोड होती है ना वहाँ वाइब्रेट करती है तो इंजन पे वाइब्रेशन आता है, आपकी जो इंजन की माउंटिंग होती है ना उस पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग निग्लेक्ट करते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। अगर आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग टर्म चलानी है तो मैं सच बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी चीज है टायर प्रेशर, इसको बहुत ध्यान में रखना है आपको। अभी मुझे यहाँ से लेना है लेफ्ट, क्योंकि ये है अलीगढ़ हाईवे आ रहा है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है। एक बार वो काम निपटा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। फिर मैं बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेक से रिलेटेड क्या है और बाकी सारे पॉइंट्स जो कि आपको याद में रखने हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको ब्रेक्स का भी बहुत ध्यान रखना है।
देखिए ब्रेक्स में क्या होता है कि लाइक जब आपके ब्रेक काफी टाइम जब गाड़ी चल जाती है तो ब्रेक वियर एंड टियर वाला पार्ट है वो घिसेगा। लोग क्या करते हैं ब्रेक पैड चेंज करा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ब्रेक पैड चेंज करा लेने चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको डिस्क चेंज करानी पड़ती है क्योंकि डिस्क की भी एक लाइफ होती है। ब्रेक लग के डिस्क तो वैसे भी वियर आउट हो जाती है। देखिए आपको क्या करना है, डिस्क को कभी भी वो खैराती के पास जाके डिस्क को ट्यूनिंग करा लेते हैं वो कभी नहीं कराना है। डिस्क भी बहुत मेजर कोई महंगा पार्ट नहीं होता है अगर आप स्टॉक लगवाते हो। और हमारे पीछे कार आ रही है, एक बार उसको दिखा देता हूं मैं। ओ भाई साहब बहुत ही प्यारी लग रही है, येलो कलर की मर्सिडीज है, सही लग रही है यार, सही लग रही है। ये बात आपको याद रखनी है कि डिस्क भी आपको चेंज करानी है वो खैराती के पास जाके उसको ट्यूनिंग करा के मत लगा लीजिए आप, उससे भी काम चल जाता है, बहुत लोग कर लेते हैं। बट देख लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ आप करा सकते हैं, क्योंकि बहुत मेजर महंगा पार्ट नहीं होता है डिस्क। लाइक 8-10 हज़ार अगर आपको रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं डिस्क के लिए, डिस्क यार ऐसी चीज है ना बहुत लंबे टाइम बाद चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि आपको हर 10-15 हज़ार पे चेंज करानी पड़ रही है, बाकी लोग चलाने वाले वैसे भी चला रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो ये सारी चीजें तो मेंटेनेंस में आ गई। अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको अपनी हैबिट में लानी होंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही माइनर चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज होती है आपका जो नॉर्मल केबिन फिल्टर होता है। लोग क्या करते हैं केबिन फिल्टर को निकालते हैं, हवा मरवाते हैं, थोड़ा सा एयर प्रेशर मारा और लगा दिया। क्यों करते हो, साफ करके लगाने से कोई सेंस नहीं बनता है, अंटिल अनलेस आपने केएनएन का केबिन फिल्टर ना डाला हो, वैसे कोई नहीं लगाता है। तो आप क्या कर सकते हो यार, केबिन फिल्टर चेंज करा लो, 200-300 रुपए की चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। और उससे क्या होता है ना, आपकी गाड़ी ना अच्छी स्मेल करती है, आपकी गाड़ी के अंदर बैक्टीरियाज नहीं बनते हैं, आपकी गाड़ी के अंदर फाउल स्मेल नहीं आती है, तो यार वो चेंज करा लो। और आपको जो एसी से हवा मिलती है ना वो एकदम प्योर मिलती है। दूसरी चीज है, जब आप गाड़ी वॉश कराते हो ना, तो बहुत लोगों को देखा है कि रेडिएटर पे बोलते हैं ना पानी मार दो भैया, इसको साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अच्छी बात है आप रेडिएटर पे क्लीनिंग करवाओ, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर से, एकदम हाई प्रेशर से मत करवाना, नहीं तो उसके फिन्स टेढ़े हो जाएंगे। होता क्या है, फिन्स टेढ़े हो जाते हैं लोगों के, फिर बोलते हैं एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, गाड़ी का एसी बेकार है, ऐसा है। तो भाई गाड़ी की एसी के लिए आपको अच्छी बात है आप क्लीन रखो अपना रेडिएटर। मेन चीज है कि उसमें बहुत ही हाई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, आराम से एक नॉर्मल प्रेशर अच्छे से क्लीन करा लो, जब भी आपके गाड़ी में डर्ट लगे आपको कि हाँ रेडिएटर गंदा हो रहा है। तो ये एक हैबिट है, छोटी सी हैबिट है। अगली चीज आती है गाड़ी का प्रॉपर लुब्रिकेशन। अब आप बोलेंगे लुब्रिकेशन कहाँ करना होता है भाई, गाड़ी में कोई चेन थोड़ी है बाइक की जो लुब्रिकेशन करना होता है। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, लुब्रिकेशन होता है कुछ चीजों में, जैसे कि जब आप गाड़ी सर्विस पे ले जाते हो, नॉर्मल चेकअप पे ले जाते हो, गाड़ी आप बार बार वॉश कराते हो, मिट्टी में चलती है, तो क्या होता है मिट्टी जम जाती है गाड़ी के नीचे। बहुत सारी ऐसी जगह पे गाड़ी में मिट्टी बैठ जाती है जो आप एक नॉर्मल वॉश में नहीं निकाल सकते हो। तो आपकी गाड़ी में अगर लुब्रिकेशन होगा ना तो रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा गाड़ी में। लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए, जैसे कि आपके सस्पेंशन वाले पार्ट हो गए, आपके आर्म हो गए, आपका जो पीछे का रियर शॉकर्स हो गए, आपकी जो आगे की माउंटिंग होती है ना शॉकर की, वहां पर हो गया। तो इन सब जगह जो मूविंग पार्ट होते हैं तो वो अगर लुब्रिकेट होंगे ना प्रॉपरली तो वहां पर रस्ट नहीं पकड़ेगी और आपकी गाड़ी स्मूथ भी फील करेगी। अब फिलहाल हम पहुंच गए हैं वापस से अपने टोल पे, तो टोल करते हैं पार और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। बस अब मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। ओके गाइस, तो टोल मैंने पार कर लिया है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब आते हैं अपने फ्यूल पे, पेट्रोल पंप का सिलेक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या फिर आपका लाइक रेंज कम है ड्राइविंग की, तो आप कोशिश ये करो, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपल्शन है, बट आप कोशिश ये करो कि एक जगह जो आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है वहां से ही पेट्रोल या डीजल फिल कराओ। सिटी में अगर आप चलते हो तो ये काम आप बहुत आराम से कर सकते हो, जैसे कि मैं जब भी सिटी में रहता हूँ तो मैं नोएडा में मेरा एक पेट्रोल पंप है जहां पर मैं अक्सर जाता हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है वीडियोस में। फिर भी अगर आपका लाइक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक जगह से भरा सकते हो, तो भी कोशिश ये करो कि सिटी के अंदर वाले पेट्रोल पंप से आप फिलिंग कराओ हमेशा। सिटी में आपको इम्प्योरिटीज मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे कंपेयर टू हाईवे। तो आप कोशिश ये करो कि अगर आप ट्रिप पे भी जा रहे हो ना, तो जब भी आपको पेट्रोल भराना है तो वो किसी सिटी वाले पेट्रोल पंप पे भरा लो, जो बीच में कोई सिटी भरे वहां पर भरा लो। उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी गाड़ी की लाइफ में, क्योंकि एक बार अगर कोई कचरा इंजेक्टर में चला गया तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पूरी फ्यूल लाइन चेंज करनी पड़ सकती है, आपको इंजेक्टर चेंज करने पड़ सकते हैं, डीजल गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है। तो यार ये चीज ध्यान रखो, छोटी सी हैबिट है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आपकी बहुत लंबा चलेगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लिए तो।
लास्ट में एक चीज आपसे बताना चाह रहा हूँ कि भाई अपनी कार से कनेक्ट करने की कोशिश करो। सबसे मेन चीज, जो कार एंथुसियास्ट है ना उसको अपनी कार से बहुत प्यार होता है, जैसे कि मुझे है अपनी कार से। पुरानी वाली से भी मुझे उतना ही प्यार था, इस वाली से भी मुझे उतना ही प्यार है। पुरानी वाली कार से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, इस वाली कार से कनेक्शन हो रहा है मेरा। धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ता है आपकी कार से। जैसे जैसे आप कार ड्राइव करते रहते हो ना, आपका अपनी कार से कनेक्शन एक बढ़ता जाता है। देखिए, कनेक्शन होगा तो आपको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ना, आप तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लोगे, यार ये चीज ऐसी हो रही है कार में, ये चीज सही नहीं है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी को आधा टाइम तो खुद ही डायग्नोस कर लोगे। आप अगर अपनी गाड़ी से कनेक्टेड हो, आपको कुछ नहीं, आपको तुरंत फील हो जाएगा भाई मेरी गाड़ी में ये सही नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, कनेक्ट विद योर कार। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट लाता रहूंगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े ऐसे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।